दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का आज दूसरा दिन है, जिसे लेकर मुंडका मेट्रो स्टेशन पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान को लेकर वाहन चालकों में भी जागरूकता देखी गई। यह नज़ारा मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां आप देख सकते हैं कि लाल बत्ती होने के बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर बीच सड़क पर आकर वाहन चालकों से आग्रह कर रहे हैं कि वह अपनी गाड़ियों का इंजन ऑफ कर दें, जिससे दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में कमी आने की संभावना बढ़े। इस बारे में हमारी टीम से बातचीत करते हुए मुंडका मेट्रो स्टेशन रोड लाल बत्ती पर तैनात सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बताया कि काफ़ी वाहन चालक इस अभियान को लेकर पहले से ही जागरूक हैं, जो लाल बत्ती होते ही गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं। वहीं कुछ चालक वॉलंटियर्स के समझाने के बाद गाड़ी का इंजन ऑफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अभियान है, इसमें कम होएगा क्योंकि जाम में गाड़ी खड़ी रहती थी, स्टार्ट होकर खड़ी थी। अब हमें कुछ हमारी टी शर्ट दे के हम इशारा करते हैं, वो देख के हम समझ रहे हैं आदमी। काफ़ी फर्क है पहले से, काफ़ी लड़के जो पूरे फॉलो कर रहे हैं, देख के अपना आप ही बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच वाहन चालकों से अनुरोध करेंगे कि लाल बत्ती होने पर वे अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें।